1494 वैशाख वद आठम रविवार तारीख 19/5/68 दिने पूज्य श्री गांधी स्वामी नु श्री समयसार शास्त्र में कर्ता कर्म अधिकार श्लोक 44 गाथा 73 पर सुवर्ण परिमा प्रवचन समयसार शास्त्र ना संत प्रवचन नंबर 511 नमो लोये सौरियंताणम नमो लोये सौदानम नमो लोये सौरियाणम नमो लोये सौजायानम नमो लोये सौ त्रिकालवर्ती श्रावणम ओंकार मिंदु संयुक्त नित्यम जयंती योगिन कामद मोक्षदों से ओंकाराय नमो नमः मंगलम भगवान मंगलम गौतम मंगलम कुंकुंडारी उजेन्द्र मंगल नमः सुमरिस्ताराय कहता है ना सैतालीस हमारे क्या कहते हैं हिंदी पर पर्ण त्यूजत खंडयत वेद वादा इदम उदित खंडम ज्ञानम चंडम उच ननु कथम अवकाश कर्तु कर्म प्रवर्ति भवति कथम वा पुद्गलिक कर्म बंध। वो अमृतचंद्राचार्य का श्लोक है। क्या कहते हैं पर परिणति को छोड़ता हुआ अर्थात भगवान आत्मा अपना शुद्ध चैतन्य मूर्ति स्वभाव ऊपर दृष्टि करके सम्यक दर्शन प्राप्त करता है तो परपरिणति नाम विकार को छोड़ता है। लक्ष्मण से सम्यक दर्शन प्रथम सम्यक दर्शन धर्म जो वितराग परमेश्वर है कहो सर्वज्ञ तीर्थंकर देह त्रिलोकनाथ परमात्मा ने सम्यक दर्शन कहा जो पहला धर्म तो सम्यक दर्शन के काल में भगवान आत्मा शुद्ध चैतन्य घन उसकी ऊपर दृष्टि होने से विकार का पिनपाप का विकल्प का छोड़ दिया परपंथी छोड़ दिया। वो विकार पिनपाप है मेरा नहीं वो तो जरी समझने में आते पर छोड़ दिया छोड़ता हुआ का अर्थ नहीं कि विकार है तो मैं छोड़ता हूं ऐसे नहीं पर अपना स्वभाव शुद्ध चैतन्य ज्ञानानंद है वो ऊपर दृष्टि करने से परपंथी छूट जाती है उसको छोड़ा ऐसा कहने में आया। कहाँ है भैया बोलो क्या है हुआ बस इतना इतना अर्थ है इतना कर्तव्य है पर पंथी को छोड़ता हुआ नहीं तो सिद्धार्थ भाषा कैसी है समझना चाहिए बिना भाव तो आत्मा नहीं भगवान कहते हैं कि आत्मा तो शरीर वाणी कर्म से तो भिन्न है और पुण्य पाप का जो विकल्प उठते हैं वृत्ति भाव वो भी उससे भिन्न है तो अपना ज्ञान स्वरूप अधिकार है कर्ता कर्म का तो जब अपना स्वरूप ज्ञानमय आनंदमय ऐसी अंतर्दृष्टि हुई तो कर्ता कर्म का वो विकार परिणाम मेरा कार्य न मैं करता वो बात छूट गया समझ में आया वो पुनपाप का भाव परपरिणतीय विकार है उसके छोड़ता हुआ का अर्थ अपना स्वभाव पर दृष्टि होने से वो परपरिणति छूट गई है कि छोड़ता हुआ का अर्थ ऐसा है तो बेचारे मैं रंग घूमता हो गया इनका हवे हवे हमें हवे मैं बोलो अर्थ तो भावा तो ठीक भाई आप आचार नचार बुधवार से भाई विराग मार्ग परमेश्वर है कहो मार्ग समझना महान प्रयत्न चाहिए उसमें महान समझन चाहिए समझ में आया अनंत काल थी उसने वास्तविक सम्यक दर्शन किया वो समझे ही नहीं कभी ये बिना सब के क्रिया है ऐसा करना ऐसा करना मिथ्या भाव से करते हैं परिभ्रमण करते हैं उसमें तो यहाँ तो कहते हैं कर्ता कर्म छोड़ की अधिकार है कि नहीं तो भगवान प्रभु चैतन्य स्वरूप शुद्ध धातु चैतन्य आनंद ऐसी जो वस्तु अपनी है ऊपर दृष्टि ने कारण परपरिणति को छूट गई विकार की एकता छूट गई
समझ में आया? स्वभाव शुद्ध ऊपर एकता हुई, वो कारण से पुण्य पाप की एकता परपरम से छुट गई, मैंने छोड़ता हुआ ऐसा कहने में आया है। समझ में आया? परमेश्वर सर्वज्ञ परमात्मा ही कहा हुआ मार्ग है, वो कहीं दूसरे मार्ग में है? वितराग शिवाय क्या है? वो मार्ग है नहीं, पर वितराग में जो आ मार्ग है समझे तो मार्ग है, नहीं तो मार्ग। समझ में आया? पर परंती को छोड़ता हुआ की इतनी व्याख्या है, अर्थांत विकार का कार्य मेरान में करता ऐसी जो मानता थी, वो स्वरूप की अंतर्दृष्टि होने से वो कर्ता कर्म की बुद्धि छुट गई, तो पर परंती को छोड़ा ऐसे कहने में। समझ में आया? एक बार भेद के कथनों को तोड़ता हुआ, अभी जी भाषा दूसरा क्या कहते हैं, अपने में जो द्रव्य गुण पर्याय है, द्रव्य गुण पर्याय ऐसा भेद का लक्ष्य भी छोड़ देते हैं। द्रव्य वस्तु भगवान ने कहा ऐसा आत्मा और इसकी शक्तियां के गुण और उसकी अवस्था, वो तीन प्रकार का जो भेद है वो भी अंतर में, क्योंकि भेद का कर्ता कर्म भी आत्मा आत्मा नहीं बहन बताना है। मैं दृढ़ हूँ, त्रिकाली वस्तु हूँ, और शक्ति है, गुण है न पर्याय, तीनों को तोड़ता हुआ अर्थात अंतर्दृष्टि ऊपर वस्तु होने से भेद का कार्य मेरा में करता ऐसा छूट गया, एम कहते हैं। समझ में आया? भेद के कथनों को तोड़ता, उसमें बहुत अर्थ है। यहाँ वो तो कहते हैं यहाँ कि जो मति ज्ञान आदि पर्याय है ना, भेद भेद ऊपर भी लक्ष्य नहीं रहे, अपने में नई नई पर्याय जो उत्पन्न होती है वो भेद है, उसका पे लक्ष्य छोड़ देते हैं, अपना ज्ञाय चिदानंद स्वरूप अखंड है ऊपर दृष्टि होने से भेद का कथन टूट गया था, भेद दृष्टि छूट गई। समझ में आया? कि भेद को तोड़ता हुआ मां बहुत अर्थ है। एक तो वो हुआ कि अपनी पर्याय में निर्मल निर्मल अवस्था जो मति श्रुतादि होता है ज्ञान, उसकी पर्याय पर लक्ष्य नहीं, धर्मी की दृष्टि संकीत की दृष्टि अंतर्दृढ़ स्वभाव पर है, चाहे तो बात करते हो चाहे तो बाहर में हो, पर दृष्टि तो शुद्ध चैतन्य ध्रुव पर है, वो कारण से पर्याय में भिन्न भिन्न जो पर्याय उत्पन्न होती है उसको तोड़ता हुआ, तोड़ता हुआ का अर्थ लक्ष्य नहीं करता हुआ। समझ में आया? दूसरी बात, वो द्रव्य गुण ने पर्याय जो अंदर है वो तीन भेद को तोड़ता हुआ छोड़ता हुआ अंतर ज्ञान ऊपर दृष्टि होने से तो तीन भेद छूट जाता है, अर्थात उत्पात वही ध्रुव अपना आत्मा में नई अवस्था उत्पन्न होती है, पुरानी अवस्था का व्यय होता है, ध्रुव है, ऐसा तीन भेद का लक्ष्य छोड़ता हुआ। समझ में आया? अंतर वस्तु पर दृष्टि होने से वो तीन भेद का भाव को तोड़ता हुआ ना, वो कर्म मेरा मैं करता हूँ ऐसी बुद्धि क्या रहती, अर्थात मैं गुणी अनंत गुण का पिंड हूँ और ज्ञान द्वारा मैं जाने वाला हूँ, ऐसा भेद को भी तोड़ता हुआ। समझ में आया? बात है भाई, राम जी भाई की एकदम हरी गुण पे आलस आऊंगा मुंह से आचार का कथन है, मूल वस्तु है, उसमें बड़ी गंभीरता भर दी है। भगवान आत्मा वस्तु स्वरूप शुद्ध चैतन्य है, ऐसी अंतर्दृष्टि करने से जो द्रगुण पर्याय उत्पात ध्रुव और ज्ञान द्वारा मैं जानता हूँ, ज्ञान द्वारा ऐसा भी भेद, वो भी भेद छूटता हुआ भेद रहते हैं। समझ में आया? अर्थान भेद को तोड़ता हुआ, अर्थान मैं करता हूँ, ज्ञान की पर्याय मेरा कार्य है, मैं साधन हूँ,
ऐसा कर्ता कर्म का भेद को भी छोड़ता हुआ नहीं बड़ा अर्थ है भाई मान लिखे ला संस्कृत का मतलब करता था अपने आम लिखी करी आगे ये तो बराबर है जी लिखा है समझ में आया। सूक्ष्म विषय है भगवान चैतन्य वस्तु अनादि अनंत 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 ज्ञान दर्शन आनंद का पिंड आत्मा है अनादि ध्रुव वस्तु वो ध्रुव पर दृष्टि देने से उसका मैं मेरी निर्मल पर्याय का कर्ता और निर्मल पर्याय कार्य ऐसा भेद अभेद ऊपर दृष्टि होने से रहते वो समझ में आया। हमें वाद विवाद किसकी हरे करना है ए जंदी भाई को क्या तो किन्या तो पत्रिका छपाई लिमड़े आया था भाई छपावे गमे तेरी बहुत छपे छठी साल में हमें भाई हमने कहीं आउट तुम बापू को वाद विवाद करता ना आए को कैसे कहा था भावनगर में को कैसे खबर में और लिमिट आया था करा नहीं भाई हमें कोई यार बातचीत करता नहीं हमें हमारे बीच आज कोनी हरे करूं अजी जड़ थी असर माने ये क्या थी कोनी हरे बात करी वो कैसे भाई के साथ गमे तेरी कही वात हाथी भाई हमें कोनी साथ बात करिए कोनी साथ कही हमने आवड़तू नहीं भाई या विज्ञान स्वरूप में वाद विवाद सहज नहीं समझ में आया। आए तो ये त्यान लग कहते हैं जड़ की असर तो नहीं पर अपनी पर्याय में अपने से भेद उठते हैं वो भी अभी दृष्टि में छुट जाता है नहीं बात बहु वितराग नो मार्ग एवो सूक्ष्म है लोगों ने बिचारे मिलो नहीं बाहर नहीं बातों बैठी बैठा से अजैन ने जैन मानी बैठा से समझ में आया। देखो वेद के कथनों को तोड़ता हुआ कथन को तोड़ता हुआ कथन तो वाणी है पैसा तो ऐसे समझे खंडियत भेदवाद आसन पड़े थे ने वाद थे संस्कार को है कि वाचक शब्दों को नहीं तोड़ना है अंतर में द्रव गुण पर्याय है उसका कोई ध्रुव और मैं ज्ञान से जानता ऐसा जो भेद उठते हैं वो अंतर की दृष्टि अंदर द्रव्य में दृष्टि होने से भेद को लक्ष्य में नहीं रखता भेद छूट जाता है कि भेद का कथन तोड़ता हुआ उसका अर्थ में ऐसा आता है जी बहुत सूक्ष्म बात है संस्कृत बनीला बनीला पर उसमें कोई घूस दृष्टि पड़े कठिन पड़ती है मर्म कठिन है भगवान वो वास्तव ऐसी है तो सर्वज्ञ परमेश्वर है केवल ज्ञानी परमात्मा ही कहेली बात है आ कहीं कोई आली दुआली में कहेली नहीं जेने इंद्रो पूज्य है जेने समझे गणधरो जेने स्वीकार है जेने चौदह गुरु बारहवीं रचना परमात्मा ही कहेली परमेश्वर है गणधर से आई बात कोई अलौकिक है ये बात कोई लौकिक नहीं हरी मिल खाए दुनिया हरी मिल खाए भी नहीं दुनिया मिलान हो ऐसी नहीं है कितनी बात करते हाँ एक प्रश्न उठो भाई ए जवाब जो मौन दृश्य कर जवाब छो भेद कथनो तोड़ता पता मोतेल समस्या से निकाला अर्पणती छोड़ता हुआ तो बराबर है भेद कथन को तोड़ता हुआ मोतेल गाथा में उसका कौन है न क्या थी निकाल सही बात के ना वो प्रश्न उठो भाई अंदर उठो तो मोतेर माथी आ भाव क्या थी कहे से कौन कहे से जैसे कहा है मोतेर माथी थी इतना आया कि पुण्य पाप का भाव असूची है भगवान शुद्ध सिद्धानंद निर्मल है पुण्य पाप का भाव अचेतन है अपने को जानते नहीं भगवान सदा निर्मल विनायक भाव है पुण्य पाप का भाव वो दुख रूप है आत्मा अन्न रूप है तो उसका भेद करते हैं अपना भेद ज्ञान होता है तो उसमें आप भेद कृष्णों को तोड़ता हुआ क्या से निकाला तरण में से बोले नहीं जसवीर तो या तो प्रश्न उठे तो मैं अंदर से अंदर आई
कि स्वभाव सन्मुख थे ने स्वभाव सन्मुख हुआ अस्तुति चेतन ऐसा सन्मुख सन्मुख हुआ वे छुट गया समझ में आया मारे मैंने मैं खुलासा कर बड़ी गर्म आई हुई कीधु ने कि ना लुणन कीधु ने ना लुणन जी शब्द पड़ा है ना ना लुणन शब्द पड़ा है विनायक भाव को जाने हम आ भिन्न आ भिन्न तो जाना भे चुट गया समझ में आया ना लुणन किसको आत्मा को आई लिखा है आत्मा की असूची आदि ना लुणन पर उसका अर्थ ऐसा है क्या ना लुणन आत्मा या हिंसनंद रही टीका माई भगवान प्रभु चैतन न्यायिक स्वरूप है उससे जाना जाना तो कहां से जाना उद्रेव को दृष्टि होने से जाना समझ में आया तो क्या पर्याय भी छूट गई भेद भी छूट गया समझ में आया ये मेरा शंकर प्रसाद थे बोले नहीं शंकर प्रसाद समझ एक वही था जामनगर में वही था तो बड़ी बात सांभे जवाब नहीं बहुत शराब है हमारी पास आगे दिया तुम साथ ये क्या बोले बड़ी क्या है संगत प्रसाद ने कौन कहवाई झंडू भट्ट वाला था तेरी श्वास तो कैसी हमने समझ है बोले नहीं बस सुना वो दवा लोग रोग से ही बोले पड़ी की देखी देखी उनका नाम शंकर प्रसाद क्या है को समझ में आया और कोई क्या शंकर प्रसाद सुन कहते हैं बस वेद के कथनों को तोड़ता हुआ अर्थात नारायण भगवान विनायक स्वभाव पर दृष्टि पड़ी और को जाना हो जाना तो सुन लिया राजा जी जाना तो पद लक्ष्य बात है उसका दुख है मेरा स्वरूप आनंद है ऐसे आत्मा तरफ झुकिया तो भेदवाद छूट गया मृत्यु आदि पर्याय का लक्ष्य भी रहा नहीं उत्पाद में ध्रुव का अपन लक्ष्य रहा नहीं भेदभाव छूट गया दृष्टि में से समझ में आया तब सम्यक दर्शन होता है ऐसे कहते हैं प्रभु जन्दी भाई और ये अखंड समझे कर्ता कर्म भी हमें आ गया समझे कर्ता कर्म कर्ता कर्म होती कर्तन भाई कर्ता कर्म अधिकार से इसलिए न्यायिक स्वभाव अभेद चैतन है ऐसी दृष्टि हुई तो कर्ता कर्म का भेद भी छूट गया मैं राग कार्य हूं करता हूं ऐसा नहीं पर निर्मल पर्याय मेरा कार्य में करता वो भी छूट गया समझ में आया यही बात है भाई इन्हें अभ्यास करो नहीं भगवान ने कहेला तत्वों नो इन अंतर थी अभ्यास करो नहीं इसलिए जिन्हें मुश्किल लगती है क्या कहते हैं पंडित जी कड़ी बात है कहते हैं कड़ी कहते हैं कड़ी नहीं है तो सरल पर उसको अभ्यास नहीं है क्यों पंडित है अभ्यास नहीं भाई तो वस्तु स्वरूप है परमेश्वर है केवली कहा हुआ कर्म है केवली पनन तो गमो धरण बोलेगा हाँ जो आसन क्या धर्म उसकी खबर पोते माने केवली कैसे माने तिथियों हम गंजी कहा ने कि देव गुरु धर्मनी शुद्धि कहो केम रहे केम रहे सुदर्श दानो देव गुरु धर्मनी शुद्धि देव अरिहंत परमात्मा गुरु निग्रंथ मुनि शास्त्र भगवान कहेला देव गुरु धर्मनी शुद्धि कहो केम रहे सुदर्श दानो शुद्ध श्रद्धा जो न करो अखंड भेद नहीं श्रद्धा न करो देव गुरु शास्त्र ऐसा कहते हैं तो तुम्हारा मन में नहीं हो तो भगवान ऐसा कहे भगवान ऐसा कहे व्यवहार से धर्म होता है निमित्त से होता है कि भगवान ऐसा कहे कि तुम्हारे देव गुरु धर्म की पर श्रद्धा रही नहीं भगवान है तो शुद्ध चैतन्य की दृष्टि कराया है ऐसी दृष्टि श्रद्धा हो तो देव गुरु शास्त्र की श्रद्धा क्यों के देव गुरु शास्त्र शुद्धता पर दृष्टि कराना है वो देव गुरु शास्त्र कहते हैं शुद्ध श्रद्धा में सर्व क्रिया करे सार पर लीपण उठे हो जानो एवी शुद्ध श्रद्धा अभे चैतन की श्रद्धा क्रिया बिना जितनी पुण्य क्रिया दया दान व्रत तपादि करते हैं ये सब सार पर लीपण सार समझते हैं सार समझते हैं नहीं समझते सार क्या नहीं समझते
रखो रात को भस्मोतिन राख भस्मोतिन भस्म राख राख भस्मोतिन राख तो एक इतनी रात लंगर जो है पीछे ऊपर गाड़ कर गाड़ कर गाड़ क्या कहते हैं लिपण लिपण करे ना तो लिपण चले नहीं चले नीचे ऐसी राख है लिपण कैसे चले एम जिसको शुद्ध श्रद्धा का भान नहीं उसकी क्रिया कांड में लिपण न चले ये तो मिथ्या दृष्टि व्यक्त करते हैं उसमें आत्मा का लाभ है नहीं एम कहते हैं शुद्ध श्रद्धा नीन सर्व क्रिया करो सार पर लिपण तीर जानो आमगन के भगवान परमेश्वर देव गुरु और शास्त्र एम कहते हैं तो आया ना अवैध वस्तु है उसकी श्रद्धा नाम शुद्ध श्रद्धा है ऐसी शुद्ध श्रद्धा तो करते नहीं व्यवहार से मानते कैसा भी हो ऐसा मानते नवतत्व की श्रद्धा देवगुरु की श्रद्धा उस संकी तो भगवान ऐसा कहा है नहीं तुम कहते भगवान ने ऐसा कहा तो तेरे भगवान की भी श्रद्धा नहीं बराबर पंडित जी समझ में आया भैया कॉलेज वाले समझा मुझ गया तो बराबर कॉलेज में घूमते पड़ते हैं विद्यार्थी कॉलेज हाँ कॉलेज आता है वो कॉलेज तो बड़ी रखड़वाली है दुखी थोड़ा रस्ता है सबको भगवान परमेश्वर त्रिलोकनाथ गणधर देव जो कहा इंद्रोई प्रतीत किया ऐसी बात मुझे है उसका पढ़ना समझना वो खरी कॉलेज है समझ में आया कहते हैं भेद आए तो बोला भेद वाला ने भेद से मानने वाला भगवान को नहीं मानते राग से धर्म माने वाला पुंज से धर्म माने वाला व्यवहार से धर्म भगवान को नहीं मानते गुरु को नहीं मानते गुरु ने देवे क्यों कहा है समझ में आया भगवान चैतन्य ध्रुव विनायक मूर्ति वस्तु स्वभाव परमेश्वर है जीवा दिखा ध्रुव निज सत्ता शुद्ध विकास परमात्मा स्वरूप अपना ध्रुव है वो उसकी दृष्टि करना वो शुद्ध श्रद्धा है ऐसी श्रद्धा करते नहीं मैंने भगवान रात से दम कहते हैं व्यवहार से कहते तो भगवान को ही मानते नहीं भगवान ने कहा हुआ वो मानते नहीं अपनी श्रद्धा नहीं भगवान की भी श्रद्धा नहीं गुरु की श्रद्धा नहीं शास्त्र की श्रद्धा है उसको है नहीं समझ में आया ना वेद के कथन को तोड़ता हुआ लो भाई हूँ एकदम हरी तुम एकदम हरी सुना है ये अखंड देखो भाई साहब आया मूल बुद्ध आया अखंड चैतन्य मूर्ति अखंड होना भेद नहीं एक रूप वस्तु है विनायक ऐसा अखंड और अत्यंत महाप्रचंड ज्ञान प्रचंड ज्ञान प्रत्यक्ष उदय को प्राप्त हुआ प्रत्यक्ष इदम मात्र निकला इदम इदम भाई का शब्द पर इदम उदितम अखंडम इदम ऐसा आ भगवान ज्ञान स्वरूप चैतन्य मूर्ति ये अखंड और अत्यंत प्रचंड उग्र पुरुषार्थ है ज्ञान प्रकट हुआ जवाहर ज्योति मैं ज्ञान चैतन्य हूँ शुद्ध हूँ आनंद हूँ ऐसा अखंड में आश्रय करने से प्रचंड ज्ञान प्रत्यक्ष उदय को प्राप्त हुआ यहाँ सुधी तो अखंड प्रचंड ज्ञान वस्तु हुई प्रत्यक्ष उदय को प्राप्त हुआ पर्याय में राग से भिन्न होकर स्वभाव पर दृष्टि से ज्ञान का प्रत्यक्ष बना हुआ आत्मा है प्रत्यक्ष ज्ञान में आया है सब सम्यक दर्शन होता है हम कहते हैं वो इन शैली से बजरा मावन से ना टीका मा तो तेर मा तुम प्रत्यक्ष बना बन बेट ले आई मैं इन शैली भी चाहिए अमृत अंदर बोला मैं अहम खो शुद्ध मानी से आवश्य अहम खो शुद्धो ना क्या मुझे ना प्रत्यक्ष शुद्ध छो एम अधिकारी से दी आंखी उपोदघात्मा शुरुआत्मा लग गया समझ में आया क्या कहते हैं आत्मा वस्तु जी आनंद ज्ञान दर्शन आनंद का भंडार भगवान आत्मा उसका ऊपर दृष्टि होने देने से ज्ञान में प्रत्यक्ष बनाता है राग की अपेक्षा नहीं मन की अपेक्षा नहीं समझ में आया अखंड प्रचंड वस्तु ध्रो उसमें ज्ञान की पर्याय का प्रत्यक्ष है आत्मा ऐसा अनुभव में आते हैं उसको मति ज्ञान में शुद्ध ज्ञान कहने में आता है समझ में आया
वो अजित प्रसाद जी क्या है यार, सत्तर हो गया केवल ज्ञान बिना? वस्तु परोक्ष रहे, वस्तु का स्वभाव ही नहीं। वो आएगा कौंसिल गाता में, कौंसिल गाता है ना, लिया है क्या लिया था, जयपुर गए थे ना गत साल में, वो गाथा मोतिर पाई पूरी थी थी ना, इको तिर पूरी थी, मोतिर चलनी थी, पर वो साहू जी आया ना, साहू जी शांति प्रसाद 40 करोड़ रुपया तो आए यहाँ, तो पंडित जी थे किलासन जी थे, बनारस आए थे ना, बहुत पंडित आए थे, मोतिर मल लो के मारा आया है शेष ने, मेरे क्या है कारण समझे, साहू जी आया पोते कथा भी चलेगी ने, वो चली थी जयपुर में, बहुत नाम से अंतर तो 11 दिन में 11 लाख करते थे, 11 दिन में 11 लाख छोकरा पे खबर तो हर वात चले अढ़ी करोड़ रूपया छोकरा पास ना पास 2 करोड़ मोटा पास 2 करोड़ 5 करोड़ रूपया चले बोला 1 करोड़ रूपया तो लंग नहीं है, लगता होगा 1 करोड़ कदम, 1 करोड़ में 11 दिन में 11 लाख खर्चा और 5 लाख का हॉल 16 लाख तथा निर्माण मांगो, हमें खर्चे नहीं मापा, ये तो पैसा है छोड़े, तुम्हें रात की मनता किया उत्पन्न होगा, धर्म तो नहीं अपने 16 लाख खर्चे पर धर्म नहीं के दो, याद रखो तो पैसा जर पर है, उसका लेना लेना की क्रिया अपने आप से नहीं, और जो क्रिया होती है वो अपने से नहीं, तुम्हारी राग मंदता तृष्णा मंद किया हो वो होगा, बस इतना धर्म हो ये नहीं, धर्म तो पुण्य पाप राग से बिन आत्मा का अनुभव करना, श्रद्धा ध्यान करना, उसका नाम धर्म है, वितरण मार्ग में उसको धर्म कहते हैं, पैसा वाला का धर्म हो तो गरीब को रोना पड़े, ऐसा धर्म है नहीं, समझ में आया, बहुत ज्यादा बड़ा, यानी 30,000 मानस क्या सुन कर रथ यात्रा, रथ यात्रा में 18 तो हाथी सुनगारी 18 घोड़ा 11 ऊंट 25-30 हजार सारा को अच्छी जरा आवश्यक थी मत सब साथ में सारा देश महाराज आगे इतनी जैन की संभावना, चलो आप क्या हो मरना बहुत मान साथ मान साथ में हो, हम साथ में तुरंत माओ जाता माओ लाखों मान देखने को मिलचल, बात ऐसी है वो बाण वो तो सब पर की वस्तु है, अपना पंडित खत्म फूलचंद जी कैलाशचंद जी बालचंद जी सब पंडित अपना मुंशीधर जी सब पंडित से विचार, वो तो देखते थे तो बहुत वो तो पुण्य का था है, समझ आया धर्म धर्म नहीं, वो तो ना विरोध करे मान नहीं आता, वो तो दृष्टि विरोध करते हैं, साधु को मानते नहीं, हमारा साधु तो मानते नहीं, कहते बात आती है बापू साधु हो या न माने, साधु किसको कहना तुम्हें सुना है नहीं, आया तो कहते हैं देखो भेद का कथन तोड़ता अखंड का प्रत्यक्ष होता है, भगवान आत्मा वस्तु अखंड अभेद है, वो मति शुद्ध ज्ञान में राग का अवलंबन छूटकर जहाँ द्रव का आश्रय हुआ तो ज्ञान का प्रत्यक्षपण होता है, ऐसा आत्मा को जाना उसका नाम सम्यक दर्शन, समझ में आया भैया, तुम्हारा महाराष्ट्र में नहीं चलता, नहीं तो अखित्र पाल ने बाबा ने था धूड़ ने फूड ने चलते नहीं, भैया क्या करे विचार करना पड़ता है, काम के बारे करना पड़ता है, ये तो सब छोड़ना चाहिए,
तो आया है ना, मैं तो सुना ही अभी चार से समझे थे बात, उसमें क्या है, नौ समझे थे बोलो, अभी समझे तो उसका ऐसा पितृपाल पितृपाल को पगे लगना, वो भगवान की आज्ञा है नहीं, समझ आया, त्रिलोकनाथ परमात्मा परमेश्वर वितराग प्रतिमा है, उसको भी वंदन करना शुभ भाव है, शुभ भाव धर्म नहीं, समझ आया, वो आते हैं वो शुभ अपन आए तो दृष्टि करने में तो शुभ भाव का भी आश्रय नहीं, अरे बात माँ पद्मावती क्या माने, पद्मावती भूतनी है कोई, माँ मानना क्या, तो सर्वज्ञ वितराग परमेश्वर शिवाय कोई जैन दूसरा को मानते नहीं, पद्मावती हो के कोई ऊपर से इंद्र तो संकीति है, इंद्र है तो संकीति एक अवतार है, सुना है कि नहीं, सुना है पंडित जी, वो शक्र इंद्र है सुदम देवलोक का, और उसकी रानी है स्त्री, दो ही एक अवतार है, एक बहु करके मुख जाने वाला है, स्वामी उसकी तो प्रतिमा करके बांधते नहीं, ना पद्मावती को ठिकाना नहीं कौन होगी क्या है, नहीं तो पद्मावती कौन भूखी होगी कि कौन है, संबर नहीं, उसको भगवान के नाम में मानना विपरीत है, सदृष्टि मिथ्या का पोषक है, आए तो भगवान कहते हैं कि अखंड में से पृथक ज्ञान होना में खंड का आश्रय भी छोड़ने लायक है, तो आ तो कहाँ रही बात, आया भगवान का दर्शन में जो भी शुभ भाव होता है वो भी दृष्टि के आश्रय में, वो शुभ भाव की अलम नहीं है, उसके आधार से भी सम्यक दर्शन नहीं होता, आया अखंड अत्यंत प्रचंड, देखो अत्यंत प्रचंड महाचैतन ज्योत जौहल ज्योति भगवान है, ज्ञान नहीं जौहल केवल ज्ञान न खंड आत्मा है, ऐसा ज्ञान प्रत्यक्ष उदय को प्राप्त हुआ, प्रत्यक्ष उदय नाम प्रगट पर्याय में प्राप्त हुआ, शक्ति तो थी अखंड प्रत्यक्ष वस्तु स्वरूप, ये अंतर्दृष्टि क्या प्रत्यक्ष प्राप्त हुआ, ओहो आत्मा ज्ञान से स्वसंवेदन में आत्मा आया, उसका नाम भगवान सम्यक दर्शन ने सम्यक ज्ञान कहते हैं, वो बिना उसको चारित्र ने व्रत सब को भी कभी होता नहीं, समझ में आया, ओहो हवे कहते हैं, ओहो यहाँ ऐसा पृथक ज्ञान चैतन भगवान ज्ञान में प्रकट हुआ, ओहो ऐसे ज्ञान में परद्रव्य के कर्ता कर्म को प्रवृत्ति का अवकाश कैसे हो सकता है, ऐसे भगवान आत्मा जब ज्ञाता दृष्टा का प्रत्यक्ष हुआ, ऊपर रजकम के पर की जमीदा काम फेन आत्मा करता हो ऐसे कैसे हो, समझ में आया, जहाँ ज्ञातापना भान हुआ अपने में ज्ञान दर्शन चारित्र का भान हुआ, प्रत्यक्ष ज्ञाता हूँ ऐसा प्रत्यक्ष ज्ञान का भान में पर का कर्ता पर अपना कार्य कैसे होता सकता है, ऐसे होता नहीं, या निर्मल पर्याय का कार्य में करता ऐसा भेद भी जा नहीं, या पर का कर्ता ने पर का कार्य आत्मा में है ऐसी बात है, भगवान परमेश्वर ऐसा कहा है, उसने सुनामी समझानी क्या थी, हमारे सब मानते मानना पड़ता नहीं, कहते भैया जी क्यों भैया सब मानते तुम्हारे क्या करना, एक लाख के छूटा पड़ जाना, नहीं मरण होता है कि एकला मरण होता है कि नहीं, मरण तो भिन्न होता है ना अपना, ये सब का मरण होता है, यदि एकला मरण अभी एकला करना अभी मरण रखू, मरण वक्त सब मरे तो मैं मरू, देश छोड़ ऐसा है एम अपना काम करना तब माने तो मैं मानू, ऐसा है ही नहीं, ऐसा है भाई, ऐसे भगवान आ तो आत्मा का उद्धार करना हो तो दुनिया की लोभ छोड़ देना चाहिए, दुनिया क्या मानेगा, दुनिया कौन कहेगा, कैम कहेगा, इसकी साथ लक्ष्य देना नहीं, भगवान का मार्ग कोई दूसरा है, दुनिया के साथ मिलान करना वो हो सकता नहीं, समझ में आया,
कैसे ऐसा में हमारी ननु कथमो का कर्तु कर्म प्रवृत्ति भगवान आत्मा वस्तु का स्वरूप जो अंतर दृष्टि में आया और ज्ञान से प्रत्यक्ष आत्मा हुआ तब पर का कर्ता पर कार्य कैसे उसमें आ जाते हैं, कैसे हो सकता है, कभी बनता नहीं। तथा पदगोई कर्म बंद भी कैसे हो सकता है, देखो ऐसा संगत ज्ञान हुआ, कहते हैं संगत दृष्टि हुआ, उद्गरी कर्म बंद कैसे हो उसको, अज्ञान जन कर्म बंद का निषेध है ने? नहीं, मिथ्या गए अज्ञान गए, चैतन्य का संगत ज्ञान हुआ तो उद्गरी कर्म का बंद का कारण गए तो कार्य कैसे होता है, एम कहते हैं। समझ में आया? अरे वाह, तथा पुदुली कर्म बोला मोह खुलासो के बोलना, इनके विपरीत बुद्धि गई पुदुली कर्म बंद होता है, यानी दो ही साथ में गई, विपरीत बुद्धि भी गई और कर्म बंद भी छुट गया, संयक दर्शन हुआ, संयक दृष्टि की बात है। वो यदि राग उठा रहता है उसका थोड़ा मनो उसकी गिननी गिनने में नहीं आता, वो तो थोड़ा रंग आदि है तो छूट जाएगा। कहते हैं पुदगली कर्म बंद भी कैसे हो सकता है, कदापि नहीं हो सकता। लो लो कलशास हुआ, ठीक कल एकदम ले लिया था ना बस ने, वो तो अर्थ आई गया भाई, बोला कांस मचन कांस मचन वाली चलो, अरे कांस नो का, अरे वो ये बाजू ले लो भावार्थ आवास है ना, कर्म मन तो अज्ञान से हुई, देखो बैठा आवास, कर्म बंधन तो आई मिथ्या दृष्टि को मिथ्या से कर्म होता है वो लिया है, सम्यक दर्शन हुआ पीछे बंधन अल्प रहा उसकी गिनने में आता, वो तो गिने हो गया आत्मा का, राग आदि रहन बंद हो तो ज्ञान में गिने रह गया, ज्ञानी को बंद है ही नहीं, सम्यक दृष्टि को बंद है नहीं, ऐसा जोर दिया है यहाँ, समझ में आया, क्योंकि दृष्टि है निर्मो और दृष्टि का विषय पूर्णानंद प्रभु, तो दो में बंद है नहीं, परिणाम में बंद का भाव नहीं, तो वस्तु में बंद का स्वरूप नहीं, परिणामी पदार्थ का अबंध स्वरूप है, ऐसी दृष्टि हो तो परिणाम भी अबंध हुआ, अबंध में ज्ञानी को बंध होता है, ऐसा है, समझ में आया। संजय सिंह ने यही सुरेंद्र थोड़ थोड़ संजय सिंह ने अमृत मरा बच्चा में, हाँ तो सबको समझना है बालक युवान क्या शरीर है, तो आत्मा है अंदर है, सुरेंद्र है वो तो देव नो देव सात्मा देवाधि देव सात्मा भगवान पूर्णानंद सर्वज्ञ परमात्मा एक होया, वो सर्वज्ञ की पर्याय ऐसी अनंती अपने आत्मा में है, ऐसी शक्ति का धनी क्या बिलखा मारते हैं, बिला क्या करते हैं, कहते हैं क्या रखने कहेंगे युवा शक्ति धनी शुरू करते हैं, कहीं आवश्यक है आनंद ज्ञान आनंद के शक्ति का नाथ किया क्या विलाप करते हैं, आज में चाहिए मेरे आ चाहिए मैं आ चाहिए क्या है भगवान, समझ में आया यूं कहें क्या बाबा, कर्म बंध तो अज्ञान से हुई कर्ता कर्मी प्रवृत्ति से था, देखो अवृत ने प्रमाद भाव रहा उसकी यहाँ गिनती गिया गिने नहीं, कर्म बंध तो अज्ञान से हुई, राग मेरा कार्य है न मैं उसका करता हूँ, वो अज्ञान भाव ही बंध का कारण था, भगवान चैतन्य स्वभाव उससे राग जो भिन्न है स्वभाव से भिन्न है और कर्म आदि तो भिन्न है ही, तो भिन्न है वो मेरा कार्य है न मैं उसका कर्ता, वो अज्ञान भाव था, ये ज्ञान स्वभाव से विपरीत भाव था, तो अज्ञान भाव से कर्ता कर्म की प्रवृत्ति संबंध था, समझ में आया, अज्ञान कर्म मन तो अज्ञान से हुई कर्ता कर्म की प्रवृत्ति से था, ऐसे लिया देखो, समझ में आया। चैतन्य भगवान
ज्ञान स्वरूप ज्ञान सूर्य है। चैतन्य सूर्य सर्वज्ञ परमात्मा ये चैतन्य सूर्य कहा जोया। तो ऐसा चैतन्य सूर्य जब अपनी दृष्टि में आया तो अज्ञान से जो आत्मा ऐसा चैतन्य का भान नहीं था तब उसकी आदर नहीं था तब राग का विकल्प का कार्य मेरा में करता ऐसा था तो अज्ञान भाव से कर्मन की प्रवृत्ति थी। अज्ञान भाव से कर्मन की प्रवृत्ति है कर्तागन प्रवृत्ति से था। समझ में आया तो अध्यात्म शास्त्र ऐसे वाचले ऐसा काम निचले महा एक एक शब्द में गुढ़ता भरी है गंभीरता भरी है। और जब भेदभाव को देखो जब राग आदि यानी राग पर्याय का भेदभाव को परपरंति को दूर करके भेदभाव को परपरंति दो दूर करके एकाकार ज्ञान प्रकट हुआ मैं ज्ञान शुद्ध चैतन्य हूँ ऐसा अंतर ज्ञान का भान हुआ एकाकार एक प्रकार खंड उप ज्ञान होते एकाकार हुआ तब भेद रूप कारक की प्रवृत्ति मिट गई। तो भेद नाम पर का करता कर्म वो भी नहीं राग का कार्य मेरा राग का वो भी नहीं और भेद रूप विकल्प उठते हैं क्या गुण गुणी का भेद वो विकल्प काम मेरा मैं करता वो भी छुट गया। समझ में आया भेद रूप कार्य के प्रति मिट गई तब फिर अब मन किस लिए होगा अर्थ नहीं होगा सम्यक दृष्टि को बंद है इधम जी क्या लड़ाई करते हैं तो भी जन्म हजार स्त्री में पड़ा हो संकी थी पर नहीं उसमें है ही नहीं वो तो अपना ज्ञान में आनंद में है राग में नहीं देश में नहीं पर में है ही नहीं जहाँ अपने में है त्या तो शुद्धता आनंद में है वो तो समझ में आया। शुद्ध चैतन्य था उसकी प्रत्यक्ष दृष्टि हुई तो निर्मल पर्याय स्वभाव में ज्ञानी तो है विकल्प में है नहीं तो निमित्त में है नहीं तो क्या है न काम करते हैं ऐसा कहां से आया हम कहते हैं जिसमें है नहीं उसका काम मेरान में करता कहां से आया सूक्ष्म बात है आमदा आया है तो थोड़ा सीख समझ कर बराबर नक्की करना अपने में कि और दूसरा में कि नहीं। अरे ऐसा मनुष्यपनामा जो आ काम नहीं करे अवतार चौरासी ना सहला दिशी क्या क्या चालसी क्या क्या दिशी उसका कोई मेल नहीं लोगों का था पूरी हो गई मुझे ज्ञान प्रकट हुआ जब भेद उकार के प्रवृत्ति मिट गई शब्द लीटी मांगी भेद रूप कार्य की प्रवृत्ति मिट गई क्या किया आ मैं गिनाता हूँ मैं ज्ञान की पर्याय करता हूँ ऐसा भेद रूपी कार्य न रहा भेद रूप कार्य की प्रवृत्ति मिट गई पर का तो कार का मिट गया राग का मिट गया पर भेद रूप मैं ज्ञान हूँ ज्ञान से जानने वाला ऐसा जो विकल्प भेद वो भी मिट गया इकला अभेद चैतन्य पर दृष्टि होने से ज्ञान की पर्याय ज्ञाता पर हो गई कर्ता कर्म रहा नहीं तब तो फिर अब इसलिए होगा नहीं होगा लो अब यह प्रश्न करता है अब तौतरी गाथा सुनती है बहुत एक पूरी हो गई पौना घंटा चला भाई एक कवर अब प्रश्न करता है यह आत्मा किस विधि से आश्रय से निवृत्त होता है इसका प्रश्न है विधि क्या है एक पुण्य पाप जो मैल है उससे निवृत्त होता है उसमें विधि क्या उसमें रीत क्या उसमें मार्ग क्या समझ में आया जो विधि तुम्हारे बहुत आते हैं उससे संबंध विधि से करे नहीं अविधि से करे तो पाप लगे ना वैसे नहीं बहुत क्यों आ बड़ी विधि हो आ बड़ी क्रिया काम वो आ गए लोग विधि करे तो आम था विधि अरे विधि की करे तो बंद है अमल ने तेरा हार नहीं किया अपा करना वर्षित अब करना दूढ़ करना स्वर्ग करना मतलब विकल्प में विधि है विधि नहीं है आई तो प्रश्न करते हैं शिष्य महाराज आप भगवान आत्मा किस विधि से आश्रवों से आश्रव इसलिए पुण्य पाप का भाव मैं उससे कई विधि से निवृत्त होता है उसके उत्तर दाता की क्या कहते हैं
जिसको ऐसी जंखना अभिलाष है उसको हम उतर देते हैं, वेश वाला को उतर नहीं देते हम कहते हैं। वेश वाला इतने सब लोग ऐसे नहीं, जिसको अंतर अभिलाष है महाराज प्रभु दर्शन करने में लिया। देखो संस्कृत में कैन विधि नाम अयम आत्रव्यो निवृत हो, जिसका हृदय में ऐसी भावना हुई है महाराज अधिकारी भाव, शुभ अशुभ भाव, मिथ्या भाव, राग भाव, द्वेष भाव सब आश्रव है, तो वो आश्रव से कई रीत से कई विधि से क्या प्रकार से उससे निवृत्त होता है। बोले मैं कहीं सुन निवृत्ति होती है, चलो प्रश्न आता ना, चलो होता था तदो नियति कुंडली जीवो एम कहीं पास चौथा पद मत तदो नियति कुंडली जीवो एनी साथ लगाई थी नियति को, तो एनी विधि क्या समझ में आया। भगवान आत्मा जो पुण्य पाप का भाव है, विकार है, मैल है, तो मैल है मिथ्याद भाव मैल है वो कषाय है, तो दुख रूप भाव है मिथ्याद भाव, पुण्य मेरा है पुण्य से मेरे लाभ है, ऐसा मिथ्याद भाव भी कषाय है दुख रूप है, तो दुख रूप रूपी आश्रम से निवृत्ति आत्मा किस विधि से करता है। समझ में आया, ऐसा जिसको अंतर में दखश नाम अभिलाष है उसको आ उतर देने में आता है। साधारण मानस के सुन लो ऐसी बात उसको उतर देते नहीं। समझ में आया, अमृत चंद्राचार्य ऐसी संधि किया है भाई, इसको कहने में आता याद आता, जिसको ऐसी अभिलाष है कि हमारे आप मिथ्या भाव, राग द्वेष भाव, शुभ शुभ भाव दुख रूप है, तो उसके निवृत्त की विधि क्या है। ऐसा जिसको जंखना है, जिज्ञासा है, उसको आप बात कहते हैं तो उसको समझ में आएगी, और जिसको कहीं जिज्ञासा नहीं साधारण साम ठीक सुनो काम हो क्या है बढ़ लो, उसको आप उत्तर देने में आता नहीं। एम कहते हैं अरे भगवान शुभ कर दे भाई, ये के तुम्हारों पर बोला कि बीच में लाख बोलेगा हमारे क्या है, बहुत ढोल भैया है हमारा ऊँट ऊपर नगर बहुत भाग गया है, लिखो लोग तो निंदा ही बहुत करते हमारे क्या है कि भाई निंदा करे प्रशंसा करे हमारे को कहे मार्ग तो दूसरा का है ऐसा है हमारे साथ तो दूसरा का संबंध, उन्हें क्या बोलेगा इनके तुमने न बोले तुमने जवाब नहीं होता लाख बोले नहीं हमने कहा अब तो निकले वाद विवाद करता हमको आता नहीं लेकर भाई या किसी वाद विवाद से पता नहीं भाई जिसको जंखना हो। अरे शुभ शुभ विकार तो अशुभ में मिथ्या भी आ गया, मिथ्या भाव अशुभ पाप आश्रव है और परमाधिक कटाई भाव पाप आश्रव है, उसमें कटाई में पुण्य भाव भी आ गया, तो आश्रव से आत्मा एकत्व तो मानते हैं तो उससे छुटकारा निवृत्ति की सिद्धि से होती है। समझ में आया, ऐसा प्रश्नकार जिज्ञासु अभिलाषित प्राणी उसको उत्तर देने में आता। अहम इको खड़ो शुद्धो तो किन कथा बोले कर्तव्य नाम न आपे क्या समय सर नहीं तो नाम न आपे न आपे क्या उत्तम करीने तुमसे गत लीजिए देवचंद जी खतर गस्त में हुआ है आगाता लीजिए पहले बहुत वर्ष पहले लिखा था नाम नहीं दिगंबर में जो बात है ऐसी बात है ही नहीं चाहिए आखरा तो लेवा पड़ते हैं बौद्ध को समझ में आया नाम लेना पड़े नाम ना मापे क्या तुम्हारी सार कुन कुंदाचार की गाथा है ऐसी नाम आपे तो लोग अरे क्या आपने नहीं है तो क्या दूसरा का लेते बात अरे भगवान आप तो सनातन विकराग मार्ग है
दिगंबर मार्ग को पक्षकर्म पक्ष अनादि केवल ज्ञानी परमेश्वर है कहा हुआ महाराज है। इसमें श्वेतांबर पीछे निकला है 2000 वर्ष पहले आदमी भगवान किसे 600 वर्ष से निकला है श्वेतांबर, उसने अस्त्र बनाया उसमें तभी निकला 500 वर्ष पहले श्वेतांबर में से निकला है। समझ में आया है बोधन क्या था विपरीत करके निकला है। समझ में आया उसने तो बोला 13 बजे निकला भी दया को पाप मानने वाला तुलसी नहीं तुलसी एक तुलसी एक विपरीत श्रद्धा होकर निकला है भाई सच पैदा है सुने न मानो उसकी चीज क्या के देखो अहम एको खौ शुद्धो निमम्मो नानंदो सन समगो तमीठियो तुम चितो सवे कयम ने कुंदाचार का श्लोक है भगवान की पास गए थे संबत 49 कुंकुंदाचार नग्न दिगंबर मुनि यहाँ संबत 49 में सैत्या ओनर हिल मद्रास में ऐसी मेला बजुटी क्रियतिया रहते थे ध्यान में भगवान पास गए। सिमंदर भगवान का आयुष करोड़ रुका है तो 2000 वर्ष पहले गए थे अभी विराजते हैं परमात्मा महाविधि क्षेत्र में सिमंदर भगवान केवल ज्ञानी विराजते हैं वर्तमान में। वो वक्त भी वो था अजी तो बहुत रहने वाला है आगामी 24 में 12वां 13वें तीर्थंकर जब होगा तब वो भगवान मुख बनाएगा तब नक्त पदे विराजते हैं केवल ज्ञानी पदे विराजते हैं। चार कर्म का नाश है चार कर्म बाकी है समोसन में ध्वनि उठती है अन इंद्रो जाते हैं महाविदी क्षेत्र में उस पास महाविदी क्षेत्र में गई थी कुंकुंदा था 8 दिन रही थी आकर आगा था मैंने समझ में आया पौनर हिल ठीक है क्या बनाया आसम समय स्थान बनाया है क्या कौन कहते हैं कर्म में कर्म आत्मा को उनको नुकसान करते नहीं गति उनके घरे जाहिर है तो आई सब जड़ का है आत्मा की जाहिर है तो देह की स्थिति का है आत्मा की स्थिति है नहीं केवल ज्ञान हुआ तो चार कर्म भी ज्ञान में आ गया है इतना उसको रोक ऐसा है नहीं अपनी पर्याय में कमजोरी थोड़ी है इतना रहा है अपने काम से और कर्म के काम से नहीं केवल ज्ञान भी अपनी पर्याय में इतना कमजोर जितना है जितना आदि अव्यावाद आदि गुण की पर्याय हीन है वो काम से अपने काम से रहा है पर क्या काम से नहीं अरे रहा तो उसमें क्या हो तो अनंत आनंद का अनुभव करने वाला है भगवान तो अनंत ज्ञान अनंत आनंद अनंत वीर है उसमें क्या सबका ज्ञान हो गया कर्म आ है अभी वो समय झरेगा खरेगा सबका ज्ञान है उसका कुछ करना है नहीं कुछ समझना आया सर्वज्ञ को समझना बड़ी बात है उन्हीं कहीं सुरेंद्र भाई अब नीचे आ तो कुंकुंदाचार का श्लोक आपने हरिजीत किया हमारे पंडित जी पंडित जी ने उसने किया है साल समय साल सोतन साल नीम साल पंचाय अश्वाल को बनाते हैं नवरा हो गया बना ना नहीं हम यहाँ पड़ी थी मैं क्यों तो रहा इनके लिए हमने कहीं कार्य ये तो हम कहीं तो हाँ क्यों तुम मैं हम कहीं बन रहा था हम कहीं तो मुझे शब्द में यहाँ पड़ी थी मोटा मामा नवरा थे कर के था ए विजय भाई नौकरी छोड़ दी थी विजय भाई हूँ मदद कर फोट नहीं आ रहा था विजय भाई वो हम जानता है सही बात हो ये ना काम मत मत बस बस ये क्या मार दिया नीचे इसका श्लोक देखो मैं एक शुद्ध ममत्वहीन रूप ज्ञान दर्शन पूर्ण है इसमें इस रहूं इसमें क्या मतलब भाषा इसमें क्या इसमें है इसमें तक कह के मैं मकर ये बराबर है तो इस कमे से लेकिन भाषा
छप्पन दिन इसमें रहूं स्थित नीन इसमें शीघ्र से सब क्षय करूं इसको मैं कृष्ण भूले कर्ण इसमें रहूं स्थित लीन इसमें शीघ्र ये सब क्षय करूं आप उसका श्लोक का हरिगीत बनाया अरे उसके टीका जो सम्यक दर्शन हुआ पहले धर्मी कैसा निर्णय करते हैं वो बात चलती है समझ में आया हमारा क्या चल रही कहीं नहीं चल रहा क्या चल रही चल बेमीनो मीनो सम्यक दर्शन धर्मनी पहली सिद्धि ये प्राप्त करते पहले धर्मी आत्मा का कैसा निर्णय करते हैं विकल्प द्वारा विकल्प समझे राग है विकल्प है मन का साथ है कैसा निर्णय करते हैं वो बात चलती है अभी निर्विकल्प हुआ नहीं सम्यक दर्शन हुआ नहीं पर सम्यक दर्शन पहले विकल्प नाम राग द्वारा मन का संबंध द्वारा सम्यक दर्शन पाने को कैसा विचार करते हैं वो यहाँ कहने में अरे बड़ी चीज है कौंकर का समय वो जयपुर में तो बहुत स्पष्टी संस्कृति चला क्यों निकले तो एना पर मनाओ है नहीं ये वक्त पैसा का समझ में आया देखो क्या कहते हैं पहला ऐसा विचार करते हैं विधि वो है कि मैं कैसा आया है शब्द पढ़ा ना मैं आत्मा यो आ प्रत्यक्ष आ प्रत्यक्ष बताते हैं आ मैं आ आत्मा प्रत्यक्ष देखो भाषा सम्यक दर्शन हुई पहले धर्मी का होने की योग्यता में ऐसा विचार होता है मैं तो प्रत्यक्ष होने लायक हूँ मैं आया मैं तो आत्मा प्रत्यक्ष होने लायक हूँ परोक्ष रह सके ऐसा मेरा सवाल नहीं सिद्ध करते हैं समझ में आया क्यों कि आत्मा में एक प्रकाश नाम का गुण है सुड़तालीस शक्ति बन गई ना सुड़तालीस शक्ति का भाई लगा आत्म वैभव बारहवीं शक्ति है प्रकाश ज्योत शक्ति चीति दृष्टि ज्ञान सुख वीर्य प्रभुत्व विभुत सर्वदर्शी सर्वस्वतन प्रभुत्व प्रकाश होते बारहवीं शक्ति सुड़तालीस शक्ति का वर्णन आया है अभी 3300 पुस्तक बार पढ़ा है आत्म वैभव उसमें वो बारहवा प्रकाश नाम का गुण भगवान ने आत्मा में देखा है आत्मा में केवल ज्ञानी प्रकाश नाम का अनंत गुण में एक गुण देखा है ये गुण का क्या कार्य है कि ये गुण का वो कार्य है कि राग की अपेक्षा छोड़कर अपना आत्मा अपना स्वसंवेदन से प्रत्यक्ष हो ये गुण का कार्य है तो सन्यास दर्शन पहले ये विधि का निर्णय करते हैं कि मैं या प्रत्यक्ष मैं तो प्रत्यक्ष हो जाऊं ऐसी मेरी ताकत है ऐसा मैं आत्मा हूं ऐसा निर्णय करते हैं अजी विकल्प द्वारा समझ में आया मैं प्रत्यक्ष विषय विशेष आएगा अजी प्रत्यक्ष की व्याख्या भी थोड़ी भक्त में हृदय।